हम हर वर्ष बड़ी ही धूमधाम से रंगों का त्योहार होली मनाते हैं, जिसे धुलंडी कहा जाता है। उससे एक दिन पहले मुख्य होली का त्योहार मनाया जाता है, जिसे होलिका दहन कहते हैं। इसमें सुबह के समय लोग वहां जाकर पूजा करते हैं, जहां रात को होलिका दहन होना होता है और रात में उसका दहन कर दिया जाता है। दरअसल इसकी कथा सतयुग के एक दैत्य राजा हिरण्यकश्यप व उसके पुत्र भक्त प्रह्लाद से जुड़ी है। होलिका इसी राक्षस राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी, जो अग्नि में जलकर भस्म हो गई थी। आज हम उसी कथा व होलिका के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे और नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबाना न भूले। सतयुग में महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थी, जिनमें से एक दिति भी थी। दिति के गर्भ से ही जन्मे बच्चों को दैत्यों की संज्ञा दी गई थी। उसकी कोख से मुख्यतया दो बालक व एक बालिका का जन्म हुआ था, जिनके नाम हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष व होलिका था। इनमें सबसे बड़ा हिरण्यकश्यप था। इन दोनों दैत्यों का वध भगवान विष्णु को अलग अलग अवतार लेकर करना पड़ा था, जिनमें से हिरण्याक्ष दैत्य का वध भगवान विष्णु के वराह अवतार ने तो हिरण्यकश्यप दैत्य का वध नरसिंह अवतार ने किया था। होलिका ने भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की थी और उनसे एक विशिष्ट वरदान प्राप्त किया था। दरअसल होलिका को भगवान ब्रह्मा से ये वरदान प्राप्त था कि कोई भी अग्नि उसे कभी जला नहीं पाएगी। इसी के साथ ब्रह्मा ने कहा था कि ये वरदान तभी प्रभावी होगा जब वो इसे स्वयं की रक्षा करने या दूसरों की भलाई करने के उद्देश्य से प्रयोग में लाएगी। इस वरदान को पाकर होलिका बहुत खुश हो गई थी। अब तीनों लोकों की अग्नि भी उसे जलाकर भस्म नहीं कर सकती थी। होलिका के छोटे भाई हिरण्याक्ष राक्षस का भगवान वराह के द्वारा वध हो चुका था। इसके पश्चात उसके बड़े भाई हिरण्यकश्यप ने भगवान ब्रह्मा से विचित्र वरदान प्राप्त किया था, जिस कारण कोई भी उसका वध नहीं कर सकता था। उसने तीनों लोकों पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था तथा विष्णु को नकार दिया था। इसी के साथ उसने स्वयं को भगवान घोषित किया हुआ था, किंतु उसी के परिवार में उसका बेटा और होलिका का भतीजा प्रह्लाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। सभी उसके इस व्यवहार से बहुत दुखी रहते थे। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रह्लाद का वध करने का प्रयास किया, किंतु हर बार भगवान विष्णु के द्वारा उसके प्राणों की रक्षा कर ली जाती थी। एक दिन हिरण्यकश्यप इसी चिंता में डूबा हुआ था, तभी होलिका को एक विचार आया। वो अपने भाई के पास गई और उसके सामने प्रस्ताव रखा कि यदि वो प्रह्लाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ जाए तो, अर्थात सैनिकों की सहायता से एक बड़ी जगह पर चिता जलाई जाए और इस अग्नि में होलिका प्रह्लाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाएगी, क्योंकि उसे तो भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था, इसलिए उसे कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रह्लाद उस अग्नि से निकलकर भागने न पाए, इसलिए वो उसे कस के पकड़ कर रखेगी ताकि वो वही जलकर भस्म हो जाए। हिरण्यकश्यप को ये प्रस्ताव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने को कहा। उसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने सैनिकों को यही आदेश दिया। कुछ ही समय में एक विशाल जगह पर लकड़ियों और घास फूस इकट्ठा कर दी गई और उसके बीचों बीच होलिका प्रह्लाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इसके पश्चात हिरण्यकश्यप के आज्ञा अनुसार उस चिता में आग लगा दी गई। आग लगते ही प्रह्लाद हमेशा की तरह विष्णु विष्णु का नाम जपने लगा। जैसे जैसे अग्नि की आंच उन तक पहुंचने लगी, वैसे वैसे होलिका को उसकी तपन महसूस होने लगी। वो आश्चर्यचकित थी, क्योंकि इससे पहले अग्नि ने उसे कभी ऐसा अनुभव नहीं करवाया था। अब अग्नि उन तक पहुंच चुकी थी और होलिका का शरीर उस अग्नि से जलने लगा था, तो वही प्रह्लाद निश्चिंत होकर बैठा था और विष्णु विष्णु जपे जा रहा था। होलिका को ये देखकर बहुत क्रोध आया और वो चीख चीख कर भगवान ब्रह्मा के दिए वरदान को झूठा बताने लगी। ये देखकर भगवान ब्रह्मा ने उसे दर्शन दिए और कहा कि ये वरदान देते समय उन्होंने उससे कहा था कि ये तभी प्रभावी होगा जब वो उसे स्वयं की रक्षा करने या दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग में लाएगी। यदि वो इस वरदान का दुरुपयोग करेगी तो ये स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाएगा। ये कहकर भगवान ब्रह्मा अंतर्धान हो गए। वो अग्नि बहुत ही विशाल थी और होलिका चाहकर भी उस अग्नि से नहीं निकल सकती थी। प्रह्लाद की रक्षा तो स्वयं नारायण कर रहे थे, इसलिए उसे कुछ नहीं हो रहा था। बाहर खड़े सभी सैनिक और हिरण्यकश्यप होलिका के चीत्कार सुन सकते थे, लेकिन सभी असहाय थे। देखते ही देखते होलिका का शरीर उस अग्नि में जलकर भस्म हो गया, जबकि प्रह्लाद सकुशल बाहर आ गया। तो दर्शकों, कैसे लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।